हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में बेसिकली हम स्टेट्स ऑफ मैटर जो क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है उसकी वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी क्विक रिवीजन करेंगे एंड सभी पॉइंट्स को इसमें हम कवर भी करेंगे। सो टॉपिक वाइज हम स्टार्ट हो जाते हैं रिवाइज करना। सबसे पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर हमेशा बात होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज और थर्मल इंटरेक्शन की। तो यहाँ पर अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करें अबाउट द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उसमें जो ऑर्डर रहता है दैट इज़ फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, देन लिक्विड्स एंड देन लीस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके बाद अब जैसे हमारा पूरा चैप्टर मेनली गैशियस स्टेट पर बेस्ड है तो हम उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एंड दे एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। दे हैव वेरी मच लो डेंसिटी दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की तो आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड्स की तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी, बट इन द केस ऑफ गैसेस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज लीस्ट। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेज ऑब्वियसली फिक्स नहीं होते, ये सब काफ़ी छोटे बच्चों वाली चीज़ें एंड काफ़ी देर से आप पढ़ते भी आ रहे हो। एंड मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल द प्रोपोर्शंस। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज एंड इन ब्रीफ अबाउट द गैशियस स्टेट एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारा मेन पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अबाउट द गैस लॉज। यहाँ पर जितने भी गैस लॉज हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। इसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट सेज दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली रिलेशन का इनवर्स रिलेशन हमारे पास आता है, जिसको हम कह सकते हैं इस तरह से P1V1 equals P2V2। एंड अगर इसको और तरीके से देखें तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है P1 upon P2 equals V2 upon V1 equals V1 upon V2। तो सॉरी, पहले हमने सही बोला था P1 upon P2 equals V2 upon V1, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम और यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो ये था बॉयल्स लॉ। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। इसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स कि V1 upon T1 इक्वल्स V2 upon T2, या फिर हम कह सकते हैं कि V upon T यानी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये था सिंपल सा चार्ल्स लॉ। इसके बाद थर्ड लॉ है दैट इज़ गे-लियोज़ेक्स लॉ। इसको हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप से भी डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन इस तरह है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दिया है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स कॉन्स्टेंट। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। उसके बाद जो लास्ट लॉ है दैट इज़ एवोगैड्रो लॉ। इसको हम वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है एंड इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लें और कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट हों, सेम हों, तो दैट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर मोल्स भी इक्वल होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि एटम्स यहाँ पर इक्वल हैं, एटम्स में वेरी। तो वी इक्वल्स के एन, के यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट हमने ले लिया है। ठीक है, सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब
हमने मेन पार्ट तो कवर कर लिया, अब हमें नेक्स्ट पार्ट पर जाना है, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशंस ऑब्वियसली होते हैं PV इक्वल्स NRT, जहाँ पर R इज़ द गैस कांस्टेंट, या फिर इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 8314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सो ये थी सिंपल सी आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज़ PV इक्वल्स NRT। यहाँ पर P है प्रेशर, वॉल्यूम है V, N है मोल्स, T है टेम्परेचर, R इज द गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, इसके बाद हम अब जो बात करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, आपको बस ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है। सो इट इज़ द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज यूनिट एरिया। ओके, सो SI यूनिट क्या होती है, इट इज़ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वेयर मीटर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड मीटर पर स्क्वेयर, और इसका इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं, पास्कल पर सेकेंड भी। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू प्रेशर होता है, सो साथ में सेकेंड्स तो आएंगे, सो पास्कल सेकेंड विस्कोसिटी हो गई। ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। अगली चीज़ है लिक्विड स्टेट के बारे में बात, तो हमने काफ़ी ज़्यादा गैसेस की बात की, अभी हम और भी बात करेंगे, पर बीच में एक बार लिक्विड स्टेट को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो लिक्विड स्टेट क्या होती है, इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो लिक्विड स्टेट है, जैसे कि हमने पहले इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की बात की थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होते हैं दैन गैशियस स्टेट, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस तो सॉलिड्स में ही होते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग इज़ द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड, ये तो आपको पता ही है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ एट 1 bar। ठीक है, इसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी वो आएंगी क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसी तरह से हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को डिफाइन भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, VC से डिनोट करते हैं, एंड प्रेशर एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, जिसको हम PC से भी डिनोट करते हैं। तो ये था अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब हम करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर के बारे में बात। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं उसकी बात भी करेंगे। सो रियल गैसेस जो होती हैं दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ओके, तो ये था पॉइंट कि रियल गैसेस आइडियल गैस लॉ से डेविएशन शो करते हैं क्योंकि उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर दैन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो ये पॉइंट भी हो गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज लोअर दैन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। ठीक है, जो आइडियल गैस है वैसे तो वो एग्जिस्ट करती नहीं है, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो सारी रियल गैसेस ही हैं, एंड जो रियल गैसेस का प्रेशर होता है दैट इज़ क्वाइट लोअर दैन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, सो इसकी जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ प्रेशर आइडियल इक्वल्स प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस an² / v². यहाँ पर जो प्रेशर रियल है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और an² / v² होती है यहाँ करेक्शन टर्म। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी है जेड, उसकी वैल्यू भी हम यहाँ से बता सकते हैं, दैट इज़ PV/nRT। राइट, तो ये इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रियल गैस की इक्वेशन प्रेशर वाली, एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इसके पोस्टुलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ गैस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये बात तो हमें पता है, साइज एंड मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस आर आइडेंटिकल, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टूड है। ठीक है, अगला पॉइंट है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ
ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये चीज़ भी हमें मालूम है कि फोर्स देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो लोग प्रेजेंट हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे ये सब प्रेजेंट है. अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन. ये तो हमें पता ही है कि रैंडम मोशन में वो लोग ट्रेवल करते रहते हैं, बट दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस बट इन स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है. और जो इस इन गैस मॉलिक्यूल्स के कंटेनर के साथ जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, कभी भी इन इलास्टिक नहीं होते, दे आर ऑलवेज इलास्टिक कोलिजन्स. At any particular time, different particles in the gas have different speeds and hence different kinetic energies. ठीक है. अब आपको पता है kinetic energy का formula क्या होता है, half mv square. तो यहाँ पर जो velocity है, जो speed है, वो अगर differently vary करेगी तो यहाँ kinetic energy भी differently vary करेगी, वो constant नहीं हो सकती. If a molecule has variable speed, then it must have a variable kinetic energy. इसी बारे में अभी हमने बात भी की थी. अब हम Dalton's law of partial pressure के बारे में बात करते हैं. दिस इज क्वाइट सिंपल लॉ एंड इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस. तो यहाँ पार्शियल प्रेशर की बात हुई है. तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक गैस का अपना ही इंडिविजुअल प्रेशर. एक कंटेनर में काफ़ी सारी गैसेस पड़ी हुई हैं. अब एक तो होता है टोटल प्रेशर, वो तो आप सबको पता ही है, टोटल प्रेशर जितने अभी उस सब में जो भी कंटेनर में मिक्स्ड है उसका कंबाइन करके टोटल प्रेशर. पर पार्शियल प्रेशर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है. जैसे एक कंटेनर लिया, उसमें आपने O2 भर लिया, आपने N2 भर लिया, आपने हीलियम भर लिया, आपने हाइड्रोजन भर लिया, तो इन सब गैसेस का कुछ अपना प्रेशर भी तो होगा ना, वो प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा. जैसे मैंने कह दिया जो मैंने N2 गैस भरी है उसका प्रेशर है 1 atm, O2 गैस का 2 atm. तो ये मैं क्या बता रही हूँ, उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स यानी उनके पार्शियल प्रेशर्स. सो ये लॉ यही स्टेट करता है कि कंटेनर में जितने भी टोटल गैसेस होंगी उनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर अगर आप प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इनके सम के बराबर आएगा. ऐड बट कंडीशन है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम होना चाहिए. ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़े जा रहा है वॉल्यूम भी बढ़े जा रहा है, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इट शुड रिमेन सेम. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई कि डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है. ओके, अब हमें एक सिंपल सा रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज़ अबाउट द डेंसिटी एंड मोलर मास एट अ गैशियस सब्सटेंस. तो दैट इज़ PM इक्वल्स DRT. D यहाँ पर डेंसिटी है, R तो आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है, M मॉलिक्यूलर मास है. तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, दैट PM इक्वल्स DRT. तो ये आपको याद रखना चाहिए, दिस इज़ यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वाइट अ फ्यू न्यूमेरिकल्स. उसके बाद सरफेस टेंशन की बात आती है. तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़. और विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है ना कि केमिस्ट्री में. इसको हम आपको ये याद रखना चाहिए, गामा से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर. सिंपल ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट. तो ये हमने सब चीज़ें अब कवर कर ली हैं. हाँ, एक हमारा टॉपिक बस लास्ट बचा है, उसको हम कर लेते हैं, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं, दे आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. ये तो पता ही है, आपस में दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगता है, इसी को तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, यानी उनके आपस का, उनके बीच का फोर्स. दैट इज़ उनके बीच में अट्रैक्शंस भी होंगी, उनके बीच में रिपल्शंस भी होंगी. तो ये चीज़ हो गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि लास्ट टॉपिक है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फोर्स देखें, दैट इज़ लंडन डिस्पर्जन फोर्स. काफ़ी वीक फोर्स है, इनफैक्ट दिस इज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज़ प्रेजेंट अमंग नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नॉन पोलर एटम्स कौन से हो गए, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है. तो और मॉलिक्यूल्स, समझ गए, दिस इज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज़ प्रेजेंट अमंग नॉन पोलर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, उसके बाद आता है डायपोल डायपोल फोर्सेस. ये जो होते हैं परमानेंट डायपोल के बीच में लगते हैं. अब आपने डायपोल मोमेंट अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकते हो. अगला है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, एंड ये हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल. तो यहाँ पर चार्ज भी है, ये लोग पोलर हैं और इन पर एक परमानेंट डायपोल भी है.
उसके बाद लास्ट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ हम एक ब्रीफ लाइन में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इट इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स इन विच हाईली पोलर, ठीक है, जैसे कि NH, HO, HF बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। हाईली पोलर यानी इन पर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सब मॉलिक्यूल्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली, हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था अबाउट द गैसेस, फिर हमने गैशियस स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर हमने सारे गैस लॉज, दैट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लियुज़ेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सब के बारे में डिस्कशन की। फिर हमने आर की वैल्यू देखी, यानी कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखा, फिर हमने ब्रीफली विस्कोसिटी को देखा, फिर हम आए लिक्विड स्टेट पर, यहाँ पर हमने बॉइलिंग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, इन सब पॉइंट्स की बात की। फिर हम आए लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की, जहाँ पर हमने देखा क्या होते क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद आए हम अबाउट द डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, जहाँ पर हमने रियल गैसेस के बारे में एक्सटेंसिवली डिस्कशन की, फॉर्मूला भी देखा और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम गए पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, यहाँ पर हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस थ्योरी को कवर किया, इसके सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझा। एंड फिर हम गए डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने एक जनरल रिलेशन की बात की अबाउट द डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैशियस सब्सटेंस, ये भी काफ़ी हेल्पफुल था हमारे लिए। फिर हम गए सरफेस टेंशन, इसकी ब्रीफ डिस्कशन की। एंड लास्टली हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन की, जहाँ हमने वेराइटी ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की, उनके बारे में समझा कि वो कहाँ पर इंड्यूस होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें थी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अगर आपको ये फ्लो चार्ट देखना है तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो इसको, अगर आप रिवीजन के लिए करना चाहते हो तो इस तरह से। अब हम सारे चैप्टर्स को लेते जाएंगे, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को बढ़ते जाएंगे आगे, इस तरह से कवर करते जाएंगे, आपकी क्विक रिविजन्स होती रहेंगी, ठीक है। एंड आई होप इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू ऑल in the next video. Till then, goodbye.